हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड प्लस स्टार। आज हम बनाने वाले हैं ब्रिंजॉल सांबार, यानी कि बैगन का सांबार। बैगन के सांबार के लिए हमें चाहिए 4 छोटे बैगन, 2 टमाटर, इमली, प्याज, कड़ी पत्ता, लहसुन, सरसों, सॉल्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, उड़द दाल और चना दाल, सांबार पाउडर, हींग, सूखी मिर्ची, दाल, जीरा और मेथी दाना। साथ ही साथ हम बनाने वाले हैं केला का फ्राई। केला हमने सेपरेट काट के रख लिया है। अब हम प्रोसीजर पे चलते हैं। पहले हम दाल और मेथी दोनों को धो लेंगे और कुकर में उबाल लेंगे। पहले हम दाल को धो लेते हैं। हम ले रहे हैं तूर दाल और साथ ही साथ 20 या 25 मेथी दाने इसमें डालेंगे। अब इसको हम धो लेंगे। हमने दाल और मेथी दाने अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसे 4 से 5 सीटी आने तक स्टोव पे रखेंगे। सांबार जब बना ही रहे हैं तो साथ में चावल होना ही चाहिए, इसीलिए हम आज चावल भी बनाने वाले हैं। हमने 1.5 कप चावल लिया है और इसको अच्छे से धो लेंगे और फिर स्टोव पे चढ़ा देंगे। 7 से 8 मिनट में चावल भी बन जाएंगे। अब हमने चावल भी अच्छे से धो दिया है और उबलने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक हमारा दाल और चावल नहीं बन जाता तब तक हम कच्चे केले का फ्राई बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह कटे हुए कच्चे केले, जो हमने ऑलरेडी काट के छील के धो के रखे हैं, ये ले लेंगे। ऐसा एक बाउल लेना है आपको, इस तरह का बाउल ले जो कि थोड़ा डीप हो। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर और नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इतना पानी लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए चढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टोव पे दाल चढ़ाई है, चावल चढ़ाया है और कच्चा केला चढ़ाया हुआ है। हमारा 5वां विजिल आ गया है। प्रेशर कम होने के बाद हम दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा केला उबल के तैयार है। बस हम अब इसे फ्राई करेंगे। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है। ये एक नॉनस्टिक पैन है तो इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डालेंगे सरसों, थोड़ा सा चना दाल और उड़द दाल। जैसे ही सरसों फूटेंगे और अपने चना दाल और उड़द दाल थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तब हम इसमें अपने उबले हुए केले डालेंगे। अपने उबले हुए केले ऐसे डालेंगे एक एक करके। ये सारा उबला मसाला थोड़ा करके ऐसे डाल देंगे और इसको इस तरह कर लहसुन को कूट के। अब हम इसमें कूटे लहसुन डालेंगे। केले से पेट में गैस बनता है, इसीलिए हम इसमें लहसुन डालेंगे। अब हमारे राइस भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हमने इसका पानी पसार दिया है। अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है। देखिए, हमारा केला पक रहा है। केले को इसी तरह हमें मीडियम फ्लेम में रख के 10 मिनट तक पकाना है और इसको बीच बीच में सॉटे करते रहना है। अपने दाल अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसमें से पानी अलग कर देंगे। पानी अलग करते ही इसको हमने मैश कर देना है। दाल हमेशा आप गरम गरम ही मैश कीजिएगा। अगर ठंडा होने के बाद मैश करेंगे तो अच्छे से मैश नहीं होगा। हमारा केला बनके तैयार है। हम अपने दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह। हमने बैगन ऑलरेडी धो के पोंछ के रखा हुआ है। हम इसको गोल काटेंगे इस तरह। ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। हम आज आपको एकदम ट्रेडिशनल सांबार रेसिपी दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनल सांबार में वेजिटेबल्स इसी तरह गोल काट के डाले जाते हैं। आप तुरंत पानी में डाल दीजिएगा वरना बैगन अपना कलर चेंज कर देगा। अब हम लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। याद रखिए, सांबार के लिए हमेशा आपको ऑनियंस और टमाटर लंबे ही काटने हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। थोड़ा सा सरसों डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे। दाल उबालते समय मेथी दाना डाला है, लेकिन अभी भी खड़े 5 या 10 मेथी दाने डालेंगे। चना दाल और उड़द दाल
लाल मिर्ची तोड़ के लगभग 10। अब हम एक बाउल लंबे कटे प्याज डालेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम इमली का रस निकाल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी भिगो के रखा है। देखिए हम अपने इमली में से जूस निकाल देते हैं। लगभग एक बाउल जूस चाहिए हमको। हमने खड़े बड़े लहसुन लिए हुए हैं, इसको हम अभी कूट लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे एक मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे। ऑनियंस को ब्राउन होने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्ट हो जाए वही काफ़ी है। ये वही बाउल है जिसमें हमने अपने बैंगन काट के डाला था पानी में। हमने इसको वापस धो लिया है क्योंकि इसमें जो पहला पानी था वो रंग बदल गया था, तो हमने वो पानी फेंक दिया और फ्रेश पानी लिया है। इससे क्या होता है, बैंगन में जो कच्चापन होता है वो जल्दी निकल जाएगा और इसका रंग नहीं बदलेगा। टमाटर लगभग एक मिनट पक चुके हैं, अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन डालने के तुरंत ही इसको ज़रा इस तरह सॉटे करके हमें हल्दी डाल देनी है क्योंकि बैंगन काली नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और लहसुन डाल लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी हमने सूखी मिर्ची डाली है तो ज़्यादा मिर्ची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी मिर्ची पाउडर हमने डाली है उतनी ही धनिया पाउडर भी डालनी है। अब हम इसमें हींग डालेंगे। अब टाइम आ गया है इसमें दाल डालने का क्योंकि हमारे बैंगन अच्छे से पकने लगे हैं। अब हम इसमें दाल डाल लेंगे। हमने जो दाल का पानी अलग करके रखा था वो भी डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा और पानी भी ऐड करेंगे। सांभर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। पानी आपको डालना है तो अभी डाल दीजिए क्योंकि बीच में अगर आप ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा।
अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, अभी पानी डाला है तो थोड़ा नमक भी डालेंगे। नमक डालेंगे, आप इसमें इतना भी पानी मत डालिएगा कि ये ज़्यादा पानी पानी हो जाए, क्योंकि अभी हमें इमली का पानी भी इसमें ऐड करना है। एक उबाल आते ही हम इमली का पानी भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो हम अभी इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। लगभग एक बाउल। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, अगर गुड़ नहीं है तो आप दो चुटकी भर चीनी डाल सकते हैं, बस इतना सा गुड़। हमारा सांभर लगभग तैयार होने को है। हम इसमें अभी धनिया पत्ती डालेंगे और इसे और 5 मिनट इसी तरह बॉईल होने देंगे। अब जब सांभर पूरी तरह से तैयार होने को है, हम इसमें सांभर पाउडर ऐड करेंगे। आपको सांभर पाउडर मार्केट में बहुत इजी से मिल जाएगा और इसको अच्छे से मिला लेंगे। सांभर पाउडर हमेशा उतारने से पहले ही मिलाना है, वरना उसमें जो स्मेल होता है सांभर का, अच्छा सा महक, वो नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर अभी बनके तैयार है, ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे और प्लेटिंग शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टिपिकल साउथ इंडियन थाली। हमने लिया है चावल, पापड़, रसम, सांभर, दही और कच्चे केले का फ्राई, साथ ही साथ अचार लिया है टमाटर का। अब हम इसे एंजॉय करेंगे गरम घी के साथ। घी को हमने गरम किया है और चावल पे डालेंगे। अब हम तैयार हैं खाने के लिए। फॉर मोर रेसिपीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।